किचन से लेकर हमारे दफ्तरों तक हर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो हमारा काम और आसान करती जा रही हैं। लेकिन खेती किसानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, जबकि किसानी पर ही आज भी हमारा देश टिका हुआ है। ऐसे में अगर किसी फील्ड में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो वो है कृषि। लेकिन कई स्टार्टअप हैं जो खेती के फील्ड में पसरे इस टेक्नोलॉजिकल गैप को आइडेंटिफाई कर इसमें टेक्नोलॉजी लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक स्टार्टअप के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी की स्पेशल सीरीज टेक 30 2022। योर स्टोरी हर साल अपने सिग्नेचर इवेंट टेक स्पार्क्स में आपके लिए कई हजारों में से चुनकर लाता है ऐसे 30 स्टार्टअप जो देश को बदल देने के साथ साथ अरबों की कंपनियां बनने की ताकत रखते हैं। इस साल टेक स्पार्क्स में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 30 स्टार्टअप जिनके बारे में हम आपको एक एक कर बताएंगे अपनी वीडियो सीरीज टेक 30 2022 में। टेक 30 ने बीते 11 साल में 330 से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोफाइल कर उनके बारे में दुनिया को बताया है। 35,000 से ज्यादा नौकरियां देने में मदद की है। 300 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की फंडिंग इसकी मदद से आई है और 675 से भी ज्यादा युवा फाउंडर्स को हमने कुछ कर दिखाने की ताकत दी है। टेक 30 का हिस्सा रहे 5 ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनका वैल्यूएशन 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा है और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं स्टार्टअप डी टाउन रोबोटिक्स के बारे में। डी टाउन रोबोटिक्स खेती के फील्ड में टेक्नोलॉजी लाने का काम कर रहा है। इनका बनाया हुआ सिस्टम खेतों की निगरानी, सुरक्षा और सटीक खेती के साथ डिफेंस के फील्ड में काम करता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल के लिए इंसानों की, व्यक्तियों की जरूरत नहीं होगी। इनकी टेक्नोलॉजी हवा और जमीन दोनों में काम करेगी। इनका बनाया रोबोट धीमी गति और दोहराव वाले कार्यों को ऑटोमेटिक तरीके से करने की सुविधा देता है, जिससे किसान अपनी दक्षता और खेती में अपने रिस्क को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सके। फाउंडर्स के मुताबिक स्टार्टअप की खासियत इस बात में है कि ये जरूरत के मुताबिक स्वदेशी ड्रोन और रोबोट का निर्माण कर सकता है, साथ ही विदेश से इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स की तुलना में बेहतर आउटपुट दे सकता है। फिलहाल इस स्टार्टअप के 10 ग्राहक हैं और कंपनी ने $61,000 का कुल धन जुटाया है। अब कंपनी विदेशी बाजारों में विस्तार करना चाह रही है। ये FLCTD एक्सेलरेटर और वाधवानी इग्नाइट प्रोग्राम का हिस्सा रहा है और IIT रुड़की में iHub दिव्य संपर्क द्वारा इंक्यूबेट किया गया है। स्टार्टअप को आरव अनमैन सिस्टम्स, आइडिया फोर्ज, स्काईलार्क ड्रोन और स्काई एयर मोबिलिटी जैसे खिलाड़ियों से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। ये सरकार और कॉरपोरेट्स के साथ सहयोग करके एक बड़े बाजार के हिस्से को टारगेट करना चाहता है। डी टाउन रोबोटिक्स फिलहाल कृषि और रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित है। कंपनी नाइट और डे विजन वाले रोबोट और ड्रोन बनाने पर काम कर रही है, जो खेतों को स्कैन करने या कीटनाशकों को स्प्रे करने, बीज बोने और सुरक्षा सर्वेक्षण, छायांकन वगैरह का काम करेगा। कंपनी उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रोबोट अनुसंधान केंद्र भी चलाती है। ये आने वाले महीनों में कुमाऊं क्षेत्र के पास एक बड़ी फैसिलिटी खोलने के अलावा नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। डी टाउन के प्रोडक्ट सीधे खरीद के लिए और सब्सक्रिप्शन पर आधारित दोनों ही तरीके से उपलब्ध हैं। हमारे बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं ड्रोन्स एवं रोबोट्स, जो कि काम आते हैं कृषि कार्य एवं सुरक्षा कार्यों के। हमने देखा कि हमारे यहाँ के किसान और सुरक्षा कर्मी टेक्नोलॉजी से बहुत प्रभावित है, जिसके कारण हमारे देश में कृषि उत्पादों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें किसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और हमारे यहाँ सुरक्षा कर्मी जब सड़क पे उतरते हैं या किसी कार्य में सुरक्षा देते हैं तो उनको अपना जीवन भी कभी कभी बलिदान करना पड़ता है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं मशीन लर्निंग का कार्य होता है, जिसको सभी किसान एवं सुरक्षाकर्मी आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स स्वचालित हैं और इनको चलाने के लिए कोई खास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जब हम लोगों ने इन सॉल्यूशंस को बनाना शुरू किया था तो हमारा पहला लक्ष्य था कि हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर इन सारी चीजों को इंडिया में ही बना पाए। तो उस सॉल्यूशन के साथ और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारे सारे प्रोडक्ट्स तैयार हैं और अभी हम लोग इन सारे प्रोडक्ट्स को फायर फाइटिंग, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, सिक्योरिटी और पैरीमीटर सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, जहां पर ये उन कामों को कम कर देता है जहां पर इंसान को बार बार एक ही काम करना पड़ता होता था और उसको जान की मुश्किल भी होती थी। तो आप जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं सारे मेक इन इंडिया के तहत बने गए हैं और सारे डी टाउन रोबोटिक्स द्वारा पेटेंट कराए गए हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने अपना कंपनी का रोल ओवर स्टार्ट किया था, जहां पर हमने इनकम सोर्स और रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करा।
लास्ट पिछले साल का हमारा जो रेवेन्यू था वो था 1,32,00,000 रुपए और इस साल हम लोग टारगेट कर रहे हैं 15,00,000 रुपए की। जो अभी हम लोग कंपनी को लेकर आगे विजन देखते हैं वो ये है कि हम जिस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहां पर अभी भी टेक्नोलॉजी का कुछ हद तक अभाव है, तो हम सबसे पहली बात है कि हम उस चीज को वहां से खत्म करना चाहते हैं। उसके साथ ही हम चाहते हैं कि पूरे देश में और विश्व भर में हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, और उसके साथ साथ ही जो इंसान की सुरक्षा है, इंसान की जान की सुरक्षा है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑटोमेशन का जो उपयोग है उसको बढ़ाया जाए। सो हमारा ये मानना है कि रोबोट्स या ड्रोन जब भी टेक्नोलॉजी में आते हैं वो किसी की नौकरी या फिर किसी का काम नहीं छीन रहे हैं, बल्कि वो उस काम को करने के तरीके को प्रगतिशील तौर पर बढ़ा रहे हैं और इंसान और रोबोट्स आगे जाके भी एक साथ काम करेंगे। फाउंडर मानस उपाध्याय और अविनाश चंद्रपाल एक दूसरे को अपने कॉलेज के दिनों से जानते थे। वे दोनों ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। उन्होंने ड्रोन और रोबोटिक्स से संबंधित कई संयुक्त प्रोजेक्ट किए थे और फिर अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लिया। मानस ने आगे बिट्स पिलानी से एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में वे अपने दो को-फाउंडर्स पवन दुबे से जुड़ गए जो रिगार्ड नेटवर्क सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वहीं दूसरे को-फाउंडर संजय खत्री इलेक्ट्रॉनिक आई सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपकी क्या राय है स्टार्टअप के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देश के बेस्ट स्टार्टअप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये पूरी सीरीज जरूर देखें। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है गौरव। शुक्रिया।